अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप लोग सब मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, ये है मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग जो कि पूरे मंथ की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं क्योंकि वो थी मेरे पास पहले से, तो मैंने नहीं ली, जैसे कि आटा दालें और ये सब चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी। बाकी जो जो मैंने आज ग्रॉसरी की है इम्तियाज़ सुपरमार्केट से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इम्तियाज़ आप लोगों को पता है, जो लोग कराची में रहते हैं, कि बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग मार्ट है। हाई से हाई क्वालिटी और लो से लो क्वालिटी आपके बजट में जो है रह के वो मिल जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले है ये पैम्पर, क्योंकि आजकल के माओं की ज़िंदगी भर पैम्पर की अधूरी है। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पैम्पर ज़रूर होता है। उसके बाद ये है बासमती राइस 5 kg का, और उसके बाद जो है वो मैं शॉपर निकालूँ। हाँ जी, अब इसके अंदर से जो है ना चीज़ें निकलेंगी, मुझे ख़ुद भी याद नहीं किस चॉपर में क्या चीज़ है। तो जनाब, इसमें से निकला है ये नोवेटा ज़ीरा का ज़ीरा बिस्किट, जो कि मैंने अपने लिए लिया है। उसके बाद ये है बेसन, यहाँ की बेसन की भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, पकौड़े बनाओ तो बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। और जनाब, ये है शंगरीला का सिरका, बड़ी बॉटल आ गई है। और जनाब, इसके बाद है ये जैम। जैम हमारे घर में जो है ना सिर्फ मेरा बेटा ही खाता है, और अभी जैम देख के वो जल्दी से आ गया है, जिसका आपको पाँव नज़र आ रहा है। और वो कह रहा है मम्मा मुझे ये पहले दे दें जैम, क्योंकि वो ही घर में सबसे ज़्यादा शौक से खाता है जैम, बाकी हमारे घर में दूसरे बच्चे नहीं खाते। अच्छा जनाब, ये निकला है, ये क्या है, ये है कसूरी मेथी। देन उसके बाद हमारे पास ये है शॉपर में से निकला है मैदा, और मैदे की क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये साबुन, और जनाब ये है बादाम, और इसमें से निकलने जा रहा है धनिया पाउडर। बाकी जो जितने भी स्पाइसेस थे वो मेरे पास थे तो मैंने नहीं लिया, अभी सिर्फ धनिया पाउडर ही चाहिए था मुझे। बाकी ये है किशमिश, और आप बच्चों को देख रहे हैं वो अपनी चीज़ें देख के किस तरह से जो है ना लपक रहे हैं। और जनाब शुगर है, और ये है लुकुम। उसके बाद है ये ज़ीरा, और यह है एक मिज़ान का घी का पैक। और मैं किस मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ ये मुझे ही पता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल जो है ना आपे से बाहर हो गए और अपनी अपनी चीज़ें जो है ना उठा रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसके बाद ये है चॉकलेट चिप मिनी। उसके बाद ये है नोवेटा, ये मेरे बड़े बेटा बहुत शौक से खाता है नोवेटा। उसके बाद ये है चावल का एक और पैक लिया था, हमारे यहाँ 6 kg चावल लगते हैं पूरे ऑलमोस्ट महीने में, क्योंकि हम लोग चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं। उसके बाद ये है छुवारे का पैकेट। देन उसके बाद है टपाल दानेदार, जो कि गलती से छोटा पैकेट आ गया है, पूरा महीना नहीं चलेगा, मुझे दोबारा से लेना पड़ेगा। खैर, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और ये है सवैयाँ। सवैयाँ भी हमारे घर में जो है ना महीने में ज़रूर आती हैं। उसके बाद जी हमारे पास निकला है नोविटा का एक और पैक। उसके बाद निकल रहा है जी कोकोमो, मुझे भी दो कोकोमो, सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, इवन मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। उसके बाद यह है स्पेगेटी। स्पेगेटी भी जो है ना हम सब के घरों में ज़रूर आती होगी आई एम श्योर, क्योंकि कभी खाना वगैरह कुछ इस तरह बनाने का दिल नहीं करता तो आप स्पेगेटी वगैरह बना लें। उसके बाद यह है कोकोमो का एक और पैकेट। नेस्ले एवरीडे फॉर द चाय, क्योंकि चाय के लिए हम यही दूध इस्तेमाल करते हैं, गाय का दूध बच्चे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये दूध है मेरी छोटी मुन्नी बेटी के लिए, मोरीना का BF3। देन उसके बाद जो है वो आ जाता है सॉल्ट। सॉल्ट भी मैं एक पैकेट लेती हूँ तो मेरा 2 महीने चल जाता है। उसके बाद यह है सौंफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं किसी को नहीं देती और हर खाने के बाद ज़रूर खाती हूँ, मेरी आदत है। उसके बाद ये है नेशनल टोमेटो केचप, ये भी ज़रूरी है, फ्राइड आइटम के साथ बहुत ही मस्त होना चाहिए इसको तो। उसके बाद जनाब, ये मैंने लिया है एक जग पानी रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई पानी का इस तरह का जग नहीं था, तो ये जग मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। प्राइस इसकी पता नहीं क्या है, क्योंकि लिस्ट में लिखी होगी, अभी लिस्ट मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना कितना तू मैं चल रहा है यहाँ पे बच्चों का। उसके बाद ये है फिनाइल, बाथरूम क्लीनर और पोछा वगैरह लगाने के लिए फ्रश पे। उसके बाद ये है एक टूथपेस्ट, मेगा पैक है, ये भी सही से आराम से चल जाता है, और एक बोनस है, तो मैं ये सर्फ एक्सेल और बोनस दोनों को एक साथ मिला देती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। तो जनाब ये है कुछ चीज़ें। उसके बाद ये है एक पिज़्ज़ा का डो मैंने लिया था पिज़्ज़ा बनाने के लिए, और ये थोड़ा सा जो है ना
ख़राब भी हो चुका है, लेकिन खैर मैं इसको सही कर लूँगी। उसके बाद ये आ गया लेमन मैक्स। और बर्तन धोने के लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पहले से थीं तो इसलिए मैंने नहीं ली इनमें से। तो काफ़ी सारे आइटम होते हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कोई आइटम ज़्यादा आ जाता है, कभी किसी महीने कोई आइटम ज़्यादा आ जाता है, तो नेक्स्ट मंथ मुझे वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जनाब ये है सारी मेरी शॉपिंग ग्रॉसरी की, और बहुत थक गई हूँ मैं। और अब मैं जाऊँगी, एक कप चाय बनाऊँगी, पहले ये सब चीज़ें जगह पे रखूँगी। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि सब चीज़ों को उनकी जगह पे वापस से रखना। तो जनाब मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।